हेलो दोस्तों, मैं मधुर अग्रवाल और tradersonline.com चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, 1 जुलाई 2017 से आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ये लिंक करना कंपलसरी है। और मेरे बहुत से दोस्त ऐसे कंफ्यूजन में हैं कि आप आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कैसे करें। तो हम लोग, हमारा ये जो आज का वीडियो है, हम लोग यही बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आप आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको आपके ई पोर्टल, जहाँ पर आप रिटर्न्स फाइल करते हो, इनकम टैक्स के ई पोर्टल के ऊपर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको एक पॉपअप आएगा। पॉपअप के अंदर एक ऑप्शन लिखा है, लिंक आधार कार्ड विद योर पैन कार्ड। वहाँ पर आपको आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में एक नीचे कैप्शन आएगा। कैप्शन पूरा आप डालने के बाद में नीचे आप कर दीजिए लिंक आधार कार्ड। वो उसके बाद में होगा क्या, उसके बाद में इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो जाएगा आधार कार्ड के पोर्टल के ऊपर, और वहाँ पर वो हर एक चीज़ वेरीफाई करेगा कि आप जो हो, कि ये जो SSC है इसका नाम सबसे पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में जेंडर, ये सब पूरा वेरीफाई होने के बाद में एक आपको पॉपअप आ जाएगा, आधार कार्ड लिंकेज विद पैन कार्ड सक्सेसफुल। और यदि कोई मेरा दोस्त अभी तक ई पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ई पोर्टल के ऊपर जाइए, रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर करिए, और न्यू यूजर को रजिस्टर्ड होने के बाद में सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट जरूर करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद।